हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संतुलित और असंतुलित बल में अंतर लिखवाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एग्जाम में संतुलित और असंतुलित बल में अंतर लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सेम इस प्रकार से एक चार्ट बनाना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सेम इस प्रकार से आपको एक चार्ट बनाना है। और दोस्तों आपको इस चार्ट के पहले खाने में क्रमांक संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? क्रमांक संख्या। दूसरे खाने में दोस्तों आपको संतुलित बल लिखना है, और तीसरे खाने में असंतुलित बल लिखना है। क्या लिखना? असंतुलित बल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको क्रमांक संख्या में नंबर वन पॉइंट डालना है और संतुलित बल में आपको लिखना है, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगे हों किंतु उनका परिणामी बल शून्य हो तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित बल कहते हैं। और दोस्तों आपको असंतुलित बल में लिखना है, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल लगते हैं और उनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अब दोस्तों आप संतुलित बल और असंतुलित बल को उदाहरण और एग्जाम्पल के साथ समझिए। मैं पहले आपको संतुलित बल को उदाहरण और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है और वह वस्तु विराम अवस्था में है। वह वस्तु कौन सी अवस्था में? विराम अवस्था में है। और दोस्तों आप उस पर बल लगाते हैं, जो वस्तु विराम अवस्था में है आप उस वस्तु पर बल लगाते हैं और वह वस्तु अब भी विराम अवस्था में है, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहेंगे। मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई वस्तु है और वह वस्तु एक जगह स्थित है, विराम अवस्था में है, और आपने उस वस्तु पर बल लगाया, और दोस्तों उस वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी वह वस्तु अब भी स्थित है, विराम अवस्था में है, तो इसका मतलब यह है कि वह बल संतुलित बल है। वह बल कौन सा है दोस्तों? संतुलित बल है। ठीक है, अब बात करते हैं असंतुलित बल कि असंतुलित बल क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है और वह वस्तु एक जगह स्थित है, विराम अवस्था में है, और दोस्तों आप उस वस्तु पर लगाते हैं बल, तो वह वस्तु विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाती है। मतलब जो वस्तु स्थित थी एक जगह, जैसे ही आपने बल लगाया वह वस्तु चलने लगी, तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहते हैं। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि संतुलित बल में ये होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह बल उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जैसी वह वस्तु पहले थी बल लगाने से पहले वैसे ही रहती है बल लगाने के बावजूद। इस प्रकार के बल को संतुलित बल कहा जाता है। और दोस्तों असंतुलित बल में ये होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, एक जगह स्थित है, और जैसे ही आपने बल लगाया तो वह वस्तु चलने लगती है, गतिमान स्थिति में आ जाती है, तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहा जाता है। तो दोस्तों आपको संतुलित बल और असंतुलित बल दोनों अच्छे से समझ में आगे होंगे कि संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्रमांक संख्या में नंबर टू पॉइंट डालना है, और दोस्तों आपको संतुलित बल में लिखना है, ये बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आपको असंतुलित बल में लिखना है, ये बल विराम अवस्था की वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया कि संतुलित बल में क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है
और उस वस्तु पर हम बल लगाते हैं, फिर भी वह वस्तु विराम अवस्था में रहती है, उसी अवस्था में रहती है, इसका मतलब वह बल संतुलित बल है। और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और जैसे ही हमने उस पर बल लगाया और वह वस्तु चलने लगती है, गतिमान स्थिति में आ जाती है, तो इस प्रकार के बल को असंतुलित बल कहा जाता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको उदाहरण देकर समझा चुका हूँ। तो यह अंतर है संतुलित बल में और असंतुलित बल में। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तीसरा पॉइंट डालना है, और दोस्तों आपको करना क्या है, संतुलित बल में लिखना है, ये बल वस्तु की आकृति या आकार को बदल देते हैं, और दोस्तों आपको असंतुलित बल में लिखना है, ये बल वस्तु की आकृति या आकार को नहीं बदल पाते हैं। तो दोस्तों देखिए, संतुलित बल क्या करता है कि यह वस्तु की आकृति और आकार को बदल देता है, जबकि असंतुलित बल क्या करता है, वस्तु की आकृति और आकार को नहीं बदल पाता है। तो दोस्तों यह अंतर होता है संतुलित बल में और असंतुलित बल में। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको क्रमांक संख्या में चौथा पॉइंट डालना है, और दोस्तों आपको संतुलित बल में लिखना है चौथे पॉइंट में, यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको असंतुलित बल में लिखना है, यह बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, संतुलित बल क्या करते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, यदि कोई वस्तु चल रही है तो उस वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता संतुलित बल। और दोस्तों असंतुलित बल में क्या होता है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी चाल और दिशा में परिवर्तन कर सकता है कौन, असंतुलित बल। तो दोस्तों यह संतुलित बल और असंतुलित बल में यह अंतर होता है। तो दोस्तों यदि आप एग्जाम में संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर लिख रहे हैं तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं संतुलित बल के और असंतुलित बल के, ठीक है, संतुलित बल और असंतुलित बल में यही अंतर होता है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।